हम कॉलेज की न्यू बिल्डिंग जहाँ पे बीए की क्लासेज ही लगती हैं और यहाँ पे बीसीए की भी क्लासेज लगती हैं। ये है मेन एंट्री गेट। आप तो मेन एंट्री गेट से करोगे तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नीचे दोनों तरफ ऑफिस ही ऑफिस है। क्लासेज लगती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे। तो चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ ऊपर आने के बाद क्लासेज ही क्लासेज हैं, दोनों साइड क्लासेज लगती हैं, बीए की भी और बीसीए की भी। ये इस साइड भी क्लास है, इस साइड भी क्लास है। फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर भी क्लास है। अगर आपको हमारा चैनल एंड हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है। यहाँ क्लासेज हैं, उस साइड भी क्लास हैं, उस साइड भी क्लास हैं, दोनों साइड क्लास हैं। ऊपर जाके क्या करेंगे यार, ऊपर भी क्लास ही हैं। ऊपर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, ये बाहर का नज़ारा है। बहुत ज़्यादा शोर था तो मैंने कॉलेज में अपनी वॉइस कवर नहीं की, बाद में वॉइस दे रखी है। ये अपना क्लासरूम है, यहाँ पे क्लास लगती हैं। विंडो से बाहर का नज़ारा देखने में काफ़ी मज़ा आता है, अगर किसी का विंडो के पास बैठने को मौका मिले तो बाहर का नज़ारा ले सकता है। ये एनसीसी ग्राउंड है यहाँ पे। अभी काफ़ी गर्मी का टाइम चला हुआ था तो मैंने वीडियो शूट की तो इसलिए कोई ग्राउंड में नहीं। ये ये यहाँ पे बीएससी की बिल्डिंग है। ये साइड ग्राउंड है, इसका पता नहीं हमें किस लिए बना रखा है। ये यहाँ ग्राउंड में सर्दियों में काफ़ी भीड़ हो जाती है, जहाँ बैठने का भी बैठने की भी जगह नहीं मिलती। यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है, अगर किसी ने फ़ोटो शूट करने का शौक़ हो, रील वगैरह बनाने का शौक़ हो तो यहाँ बना सकते हैं। ये यहाँ पे ओपन थिएटर है, जहाँ पर अपने कॉलेज में होने वाले सभी फंक्शंस यहीं होते हैं। तो देखिए ये उसका गेट है, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ पे यूथ फेस्टिवल भी होते हैं, अगर कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता है तो ओपन थिएटर में ही होता है। ये देखिए अभी यहाँ कोई भी नहीं है, कैसे घास फूस जमा हुआ है। ये बीएड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ये अपने कॉलेज की कैंटीन है, जो कि बहुत सस्ती कैंटीन है, यहाँ मैं आज तक नहीं गई। ये लाइब्रेरी की एंट्री है यहाँ से, चलो अंदर से दिखाते हैं आपको लाइब्रेरी। यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन है, और जैसे जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर जाते जाओगे डिसिप्लिन उतना ही आता जाएगा। ये फर्स्ट एरिया है जहाँ पे लाइब्रेरी है, फिर कॉमन बीच में लड़कियों के लिए है, और फिर आगे जाके आगे आप जितना लाइब्रेरी में आगे जाते जाओगे उतना डिसिप्लिन आपको मिलता रहेगा। ये सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला है। ये यहाँ पे हॉस्टल है, अगर किसी को लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये हॉस्टल की बिल्डिंग है। अगर आपको हमारा चैनल व हमारे ब्लॉग कॉलेज के अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए हम नेक्स्ट कौन से कॉलेज की वीडियो लेकर आएँ।